सब्सक्राइब मंच टीवी ऑन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मंच टीवी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्हासनगर में बाहुबली गड्ढे, इसी पर हमने बनाई है एक विशेष रिपोर्ट जो निरंतर रूप से हर अपने न्यूज एपिसोड में हम दिखाते ही रहते हैं। उल्लासनगर के हीरागाड़ परिसर से हमने शुरुआत की है, बाहुबली गड्ढों की वहां मरम्मत की गई है, लेकिन उल्लासनगर शासन प्रशासन की ओर से काफ़ी जगह पर फिर भी लापरवाही दिखाई देती है। इसी पर रिपोर्ट में हम आगे क्या कहते हैं, हमारे जर्नलिस्ट कुणाल कपूर किस तरह से रिपोर्ट देते हैं, देखते हैं। हमने जिस प्रकार से जो मुहिम चलाई थी हीरागाड़ परिसर का, बाहुबली गड्ढा आपको बताया था, ऐसे बहुत सारे शहर में कई जगहों पर है, तो हम ये भी आपको बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है खबर चलने के बाद जो हमने मुहिम चलाई थी हैशटैग अब तो गड्ढे भरो, इसकी जो है असर कहीं ना कहीं शहर भर में देखने को मिल रहा है। हीरागाड़ परिसर में हूँ, जिस गड्ढे से हमने आपका परिचय कराया था बाहुबली, अब देख सकते हैं आपके प्रशासन ने इसे यहाँ पर भर तो दिया है, अब यहाँ पर जो है दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से जो बरसात हुई उसके चलते थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर इस रास्ते को जो बनाया गया नुकसान हुआ है। बहरहाल ये आज जो है जो हमने पहले दिन से आपको खबर चलाई थी, यानी कि बाहुबली गड्ढे की जो पहले दिन से खबर चलाई थी, उसके बाद अब जो है ये 10वां दिन है, यानी कि 9वें दिन में जो है इस गड्ढे को भरा गया, यानी कि बाहुबली गड्ढे को भरा गया। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि देखिए प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सक्षम है कि वो शहर में विकास कार्य कर सकता है अगर वो थोड़ा सा जो है उस पर सावधानी बरते। लगातार 10 दिन से हम आपको बता रहे हैं कि गड्ढा यहाँ पर है, किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक उसी के पास में आप देख सकते हैं इस गड्ढे को तो भर दिया गया, लेकिन उसी से लगा हुआ जो दूसरा साइड का रास्ता है वहाँ पर जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है काम नहीं किया गया। यानी कि ये कि कोशिश प्रशासन करता है, अगर बात करें तो रास्तों में दुरुस्ती के काम करता है, लेकिन जो लापरवाही उसकी रहती है वो कहीं ना कहीं नज़र आई जाती है और वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो एक साइड जो है गड्ढा भर दिया गया है, लेकिन अगर पानी का यहाँ पर लीकेज नहीं होगा, जो कि सबसे मुख्य कारण था इसका यहाँ पर, तो ये गड्ढा जो है थोड़े दिन तक चल पाएगा, लेकिन फिर से जो है परिस्थिति जल्द ख़राब होने की यहाँ पे आशंका है। साथ ही साथ दूसरे साइड पे जो कि बड़े बड़े गड्ढे हैं उससे भी दुर्घटना हो सकती है। तो प्रशासन सक्षम है, लेकिन अगर थोड़ी सी वो ध्यान दे, कोशिश करे, तो शहर में इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सब्सक्राइब मंच टीवी ऑन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मंच टीवी।